यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और हमीरपुर जिला के भौरज में नाबालिग लड़की के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 10 साल की कठोर सजा सुनाई गई। साथ ही दो धाराओं में 3,000 और 10,000 रुपए जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पीड़िता को शादी का झांसा देते हुए हरिद्वार भगाकर ले गया था और वहां पर काफी दिनों तक किराए के मकान में उसे अपनी हवस का शिकार बनाता रहा। जिला न्यायाधीश पदम सिंह ठाकुर की अदालत ने आरोपी के चंचल उर्फ पिंकू के खिलाफ जुर्म साबित होने पर धारा 363 लगाई। जिला न्यायवादी चंद्रशेखर बाठिया ने बताया कि पीड़ित नाबालिग लड़की की मां ने 30 मई 2017 को भोरंज थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस ने तफ्तीश में लड़की को आरोपी के साथ सुलगवान से बरामद किया था। वहीं पीड़िता ने अपने बयान में अपने साथ हुई आपबीती को बताया। अदालत में दोषी के खिलाफ जुर्म साबित होने पर बीते दिन सजा सुनाई गई। वहीं इस मामले की तफ्तीश एएसआई चमनलाल ने की है। हमीरपुर के खिलाफ पॉक्सो की धारा 6 एवं 363 आईपीसी के तहत जुर्म साबित होने पर 363 आईपीसी के तहत 3 साल का कठोर कारावास और सेक्शन 6 पॉक्सो के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 3,000 रुपए जुर्माना और 10,000 रुपए जुर्माना दोनों धाराओं में अलग अलग सुनाया है। जुर्माना ना देने की सूरत में 363 सेक्शन के तहत 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास और सेक्शन 6 में जुर्माना ना देने की सूरत में 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा उसे भुगतनी होगी।